मिनोक्सिडिल स्टार्ट करने के कुछ समय बाद काफी पेशेंट स्कैल्प में डैंड्रफ का कंप्लेन करने लगते हैं। क्या ये रियल डैंड्रफ है या कुछ और? और अगर ये डैंड्रफ है तो इसका सॉल्यूशन क्या है? हाय, मैं हूं डॉक्टर अशोक सिन्हा और आप देख रहे हैं हेयर का सबसे ऑथेंटिक, ट्रस्टेड और साइंटिफिक चैनल हेयर एजुकेशन। कोरोना के टाइम में अगर आप चाहते हैं कि आपको घर में रहते हुए आपको हेयर इश्यूज के लिए बेस्ट कंसल्टेशन मिले और बेस्ट ट्रीटमेंट सपोर्ट और मेडिसिन घर बैठे बैठे बेस्ट कॉस्ट में मिले, तो आप www.addonwellness.com पोर्टल विजिट करें। हेयर एजुकेशन चैनल आपको बेस्ट नॉलेज, बेस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड कराता है। ऐसे चैनल को तो नंबर वन चैनल होना ही चाहिए। सो ऐसे चैनल को नंबर वन चैनल बनाइए और 2020 में 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचने में हेल्प करिए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। मिनोक्सिडिल डैंड्रफ फॉर्मेशन में 3 कंडीशन हो सकते हैं। पहला मिनोक्सिडिल पाउडर, दूसरा मिनोक्सिडिल डैंड्रफ, तीसरा सिबोरिक डर्मेटाइटिस के साथ मिनोक्सिडिल डैंड्रफ और पाउडर। अब चलिए एक एक करके देखते हैं कि किस कंडीशन में क्या होता है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। पहला कंडीशन ये होता है कि ये डैंड्रफ जैसा दिखने वाला फ्लेक्स एक्चुअली डैंड्रफ नहीं होता है, मिनोक्सिडिल पाउडर होता है। अब सबको पता है कि मिनोक्सिडिल एक अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन अप्लाई करने के कुछ ही मिनट्स में अल्कोहल ड्राई हो जाता है और मिनोक्सिडिल पाउडर फॉर्म में स्कैल्प पर डिपॉजिट हो जाता है, जो आपको डैंड्रफ जैसा दिखता है पर एक्चुअल में ये मिनोक्सिडिल पाउडर है। इसका सॉल्यूशन ये है कि इसे किसी भी रेगुलर शैंपू से अच्छे से वॉश करें, ये वॉश होता जाएगा। मिनोक्सिडिल डैंड्रफ को क्लीन करने के लिए कुछ स्पेशल शैंपू भी मार्केट में अवेलेबल है, वो भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। दूसरा सॉल्यूशन है कि किसी दूसरे कंपनी का मिनोक्सिडिल यूज करना स्टार्ट करें, पर कोई अश्योरिटी नहीं है कि ब्रांड चेंज करने के बाद ये मिनोक्सिडिल पाउडर नहीं बनेगा। दूसरा कंडीशन होता है जिसमें मिनोक्सिडिल अप्लाई करने पर रियल में डैंड्रफ फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाए। आपको पहले से डैंड्रफ ना हो बट अल्कोहल, जो कि एक तरह का इरिटेंट है, स्कैल्प में फ्लेकिंग करा सकता है। अगर आपका स्कैल्प अल्कोहल सेंसिटिव है तो इस डैंड्रफ को नाम देते हैं मिनोक्सिडिल डैंड्रफ। और ऐसा भी हो सकता है कि साथ में मिनोक्सिडिल पाउडर भी डिपॉजिट हो रहा हो। ये दोनों ही ड्राई नेचर के होंगे। इनका फर्स्ट ट्रीटमेंट ये है कि हफ्ते में 2 दिन नहाने के 1 घंटे पहले ऑयलिंग करें किसी भी प्योर ऑयल से और फिर किसी एंटी डैंड्रफ शैम्पू से वॉश करें। अगर आपको पहले से ड्राई डैंड्रफ है तो उस कंडीशन में भी सेम टेक्निक यूज करें। मिनोक्सिडिल डैंड्रफ का सेकेंड ट्रीटमेंट है मिनोक्सिडिल ब्रांड को चेंज करें। ब्रांड चेंज करने से फायदा इस कंडीशन में भी हो सकता है पर अश्योरिटी नहीं है। और तीसरा सॉल्यूशन है नॉन अल्कोहलिक मिनोक्सिडिल का यूज स्टार्ट करें। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि आपको पहले से सिबोरिक डर्मेटाइटिस या सिबो सोरेटिक कंडीशन हो, जो मिनोक्सिडिल यूज करने के बाद अल्कोहल के कारण और फ्लेयर अप हो जाए और तो और इस पर मिनोक्सिडिल पाउडर और डैंड्रफ भी ऐड हो जाए। ये सबसे डिफिकल्ट कंडीशन है। इस कंडीशन में आपके स्कैल्प पर एक मोटा ग्रीजी लेयर बन सकता है जिसको अगर आप फोर्सफुली निकालने की कोशिश करेंगे तो काफी बाल टूटकर हाथ में आता है। सिबोरिक डर्मेटाइटिस वो कंडीशन है जिसमें स्कैल्प ईची और ऑयली होता है और साथ में ग्रीजी डैंड्रफ और छोटे छोटे बॉयल्स भी आते रहते हैं। ऐसे कंडीशन में मिनोक्सिडिल अल्कोहल फ्री यूज करना चाहिए। वैसे तो सिबोरिक डर्मेटाइटिस में अल्कोहल और ऑयल दोनों ही हार्मफुल है पर मेरे ओपिनियन में अल्कोहल फ्री मिनोक्सिडिल लेस हार्मफुल ऑप्शन है। दूसरा, डॉक्टर से कंसल्ट करके सिबोरिक डर्मेटाइटिस का ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। तीसरा, कोई अच्छा एंटी डैंड्रफ शैंपू हफ्ते में 2 से 3 बार यूज करिए। चौथा, टॉपिकल स्टेरॉइड एप्लीकेशन भी हेल्पफुल होता है। ऐसे कंडीशन में डर्मेटोलॉजिस्ट या ट्राइकोलॉजिस्ट से मिलकर प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद राइट ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के पहले होम रेमेडीज जैसे एप्पल साइडर विनेगर, कर्ड लेमन कॉम्बिनेशन या टर्मेरिक लेमन कॉम्बिनेशन भी ट्राई कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि वो कौन कौन से कंडीशन है जिसमें आपके मिस्टेक के कारण मिनोक्सिडिल पाउडर ज्यादा बनता है? मिनोक्सिडिल पाउडर बनने की टेंडेंसी 3 कंडीशंस में ज्यादा होती है जो यूजुअली पेशेंट के मिस्टेक के कारण होता है। फर्स्ट, अगर आपने बोतल को वार्म प्लेस में स्टोर किया है, मिनोक्सिडिल की बोतल को 25 डिग्री के अंदर रखना चाहिए और ड्राई प्लेस में रखना चाहिए, ह्यूमिड प्लेस में नहीं। दूसरा, बोतल ओपन करने के बाद 30 से 45 दिनों में फिनिश कर देना चाहिए। ओपन बोतल ज्यादा दिन तक नहीं रखना चाहिए, इससे क्रिस्टल फॉर्मेशन का चांस बढ़ जाता है। तीसरा,
बोतल को ओपन करने के बाद तुरंत बंद कर दें। ज्यादा देर तक ओपन रखने से अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, जिससे भी क्रिस्टल फॉर्मेशन का चांस बढ़ता है। तो अगर आप इन तीन पॉइंट्स का केयर करेंगे तो मिनोक्सिडिल पाउडर और डैंड्रफ का फॉर्मेशन ऐसे भी कम होगा। मिनोक्सिडिल डैंड्रफ का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आप हमें बताइए कि आप कौन कौन से टॉपिक पर जिस पर आप वीडियो चाहते हैं, हम ऐसे ही यूनिक कंटेंट आपको प्रोड्यूस करेंगे। हेयर एजुकेशन चैनल 2020 में 1 मिलियन सब्सक्राइबर के माइलस्टोन को अचीव करना चाहता है, तो आप हमारी हेल्प करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर एजुकेशन फैमिली। थैंक यू।